हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ऑब्स्टेट्रिक्स के, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रेगनेंसी एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिखना है प्रेगनेंसी का, देन उसके बाद क्या क्या सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उसको अच्छे से इलैबोरेट करके लिखना है। फ्रेंड्स, हम जैसे जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, तो तीनों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो उसको भी अच्छे से करना है। ओके, देन सेकेंड है लेबर एंड स्टेज ऑफ लेबर। तो इसमें तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है लेबर का, देन क्या कितने स्टेज होते हैं, मेनली 4 होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है, और एक नॉर्मल लेबर के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है इसको भी एक्सप्लेन करना है। देन थर्ड क्वेश्चन है अबॉर्शन। तो इसमें भी टाइप्स पहले अबॉर्शन को लिखना है, फिर बहुत तरह के, पहले तो डेफिनेशन लिखना है, फिर बहुत तरह के अबॉर्शन के टाइप्स होते हैं उसको राइट डाउन करना है, देन जो एबॉर्शन के क्या क्या कारण होते हैं उसको भी एक्सप्लेन करना है। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया एक कंडीशन है जिसमें प्रेग्नेंट लेडी को कॉमा और कन्वल्सन जैसे सिम्टम्स आते हैं, और एक्लेम्सिया से पहले प्री एक्लेम्सिया आता है। तो एक्लेम्सिया तभी आएगा जब प्री एक्लेम्सिया आएगा, तो हमको दोनों को एक्सप्लेन करना है। इसमें प्री एक्लेम्सिया को भी एक्सप्लेन करना है और एक्लेम्सिया को भी एक्सप्लेन करना है। देन है फिफ्थ है PPH एंड APH। ये दोनों क्या है? तो PPH है पोस्ट पार्टम हेमरेज, जो डिलीवरी के बाद जो हेमरेज होता है उसको PPH बोलते हैं, और जो APH है वो है एंटी पार्टम हेमरेज, जो प्रेगनेंसी के पहले 28 वीक के बाद जो ब्लीडिंग होता है उसको APH बोलते हैं। देन हमारा सिक्स क्वेश्चन है रिटेन प्लेसेंटा। रिटेन प्लेसेंटा क्या है? जब डिलीवरी होने के बाद प्लेसेंटा यूटेरस में ही रह जाता है, वो अच्छे से एक्सपेल आउट नहीं होता है, तो उसको रिटेन प्लेसेंटा बोलते हैं। और रिटेन प्लेसेंटा में हमें मैनेजमेंट जानना होगा कि वो कैसे एक्सपेल्ड आउट हो, ये काफ़ी डेंजरस कंडीशन है। ओके, देन सेवेंथ है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि किस किस कंडीशन में एक प्रेगनेंट लेडी को खतरा होता है, उनको मीन्स ज़्यादा केयर या रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है। जैसे कि डायबिटिक लेडी को बहुत केयर की ज़रूरत होती है, देन एनीमिक लेडी को भी बहुत कॉन्शियस रहना होता है अपने हेल्थ को लेकर, और देन ट्विंस प्रेगनेंसी में भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। ओके, देन एट क्वेश्चन है लोकिया। ये एक वेजाइनल डिस्चार्ज है जो कि डिलीवरी के बाद होता है, तो ये शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। देन है 9 एस्फेक्सिया न्यूनेट्रम। ये क्या है कि जो न्यूनेट्स हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, उसमें जब ऑक्सीजन इनटेक करने की पावर नहीं होती, मीन्स बेबी अच्छे से ऑक्सीजन नहीं इंस्पायर कर पाता है, तो इस कंडीशन को एस्फेक्सिया न्यूनेट्रम बोलते हैं, और ये भी बहुत डेंजरस है। तो इसमें भी क्या क्या मैनेजमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है, इसको अच्छे से देखना है। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑप्थैल्मिया न्यूनेट्रम्स। ये क्या होता है? जब न्यूबॉर्न बेबी को आफ्टर डिलीवरी आईज़ में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, मीन्स वो इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा हो जाता है। वो क्यों होता है? उसके बहुत सारे, एक तो का वैसे तो वो जब वोम में रहता है तो उसको मदर से इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से ट्रांसफ़र होता है, मीन्स इन्फेक्शन मदर से ही होता है, तो ये ऑप्थैल्मिया न्यूनेट्रम है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपके लिए इफेक्टिव होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।